हाय एवरीवन, तो आज मैं करूँगी अपने बालों में कलर। एक्चुअली मुझे बहुत टाइम हो गया बालों में कलर किए हुए। वैसे मैं कलर बहुत कम ही करती हूँ, बट मैंने इस बार सोचा कि लॉरेल का कास्टिंग क्रीम ग्रॉस यूज़ करूँ, क्योंकि इसके मैंने रिव्यू देखे थे काफ़ी सारे। और अभी आप देख सकते हैं मैं अपने ग्रे हेयर दिखा रही हूँ, जो कि फ्रंट में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक्चुअली मैं केयर ही नहीं कर पा रही मेरे बालों की, तो देख लीजिए कंडीशन किस तरीके की हो गई है। और अभी मैं अपने बालों की लेंथ भी दिखा रही हूँ कि मेरे बालों की कितनी लेंथ है। बाल बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बट थोड़े से लंबे हैं, बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं है। देख लीजिए बालों की लेंथ क्या है। और अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन सा वाला कलर यूज़ करूँगी और उसका जो रिज़ल्ट है आप लास्ट में देखेंगे ही। तो यहाँ पर जो मेरे पास कलर है, ये है लॉरेल पेरिस का कास्टिंग क्रीम ग्लॉस। और इसमें जो मैंने कलर लिया है, ये है 415 आइस चॉकलेट, चॉकलेटी सा शेड है। ये वाला शेड मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। एक्चुअली मैं लॉरेल की वो जो ट्यूब वाली आती है माजरल, वो वाली यूज़ की है मैंने, बालों में मेहंदी यूज़ करी है। बट इस तरीके के कलर मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। और मेरी एक सब्सक्राइबर भी है, वो भी मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ दी इसका रिव्यू करिए, तो मैंने सोचा चलो करके देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं और पीछे इसके साइड सब कुछ मेंशन है कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है। और इसका जो प्राइस है इस बॉक्स का, ये है 649। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ बाहर के लाइट में कि एक्चुअल मेरे बालों का कलर क्या है और मेरे बाल कितने ग्रे हैं। आगे से आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, तो अभी आप पूरा वीडियो अच्छे से देखना कि इसको किस तरीके से लगाते हैं, इसका रिज़ल्ट कैसा आता है, और मैं लास्ट में बताऊंगी कि लास्ट कब तक करता है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, अच्छा यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, इसके अंदर जब आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो ये आपको इस तरीके का एक नोज़ल वाला मिलेगा। डेवलपर होता है इसमें 15 वॉल्यूम, ठीक है। ये आपको कलर की ट्यूब मिलेगी, इस तरीके की कलर ट्यूब। और अगर आपके बाल मेरी तरह हैं, लंबे बाल हैं, तो ये बॉक्स आपका पूरा लग जाएगा आपके बालों में। थोड़ा सा आप बचाना चाहें तो बचा भी सकते हैं, है ना। और ये लास्ट है थी, ये है रॉयल जेली, जो कि एज ए कंडीशनर का काम करता है। इसके साथ आपको ग्लव्स मिलेंगे। और यहाँ मैं एक्स्ट्रा दिखा रही हूँ कि अगर आप इसमें इसकी मिक्सिंग ना कर सकें, मतलब तो जो इसके साथ मिला है, तो आप अलग से ऐसे प्लास्टिक के बॉक्स में भी मिक्सिंग कर सकते हैं कलर और डेवलपर की, ठीक है। तो ये हो गई इसकी, इसके अंदर में क्या क्या मिला है। और अभी मैं बात करती हूँ, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, ये मिक्सिंग के लिए है डेवलपर। आप इसी के अंदर ही मिक्सिंग करेंगे। अभी जो मैं इसकी जो कैप को ओपन कर रही हूँ, तो आपको क्या करना है, इस डेवलपर के अंदर में ही इस कलर की ट्यूब को डालना है। तो बहुत इजी टू यूज़ है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको दो से तीन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी कराने के लिए। आप अकेले भी आराम से कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है बट आप इजीली कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगी ना कि पूरी की पूरी जो ट्यूब है इस डेवलपर के अंदर मैं डाल दूँगी, लाइक इस तरीके से, ठीक है। डालने के बाद में आपको उसकी मिक्सिंग करनी है, उसको शेक करना है बहुत अच्छे से। जब आप उसे शेक करेंगे 3 से 4 मिनट लगेंगे, और वो कलर ट्यूब और डेवलपर की जो मिक्सिंग है ना, आपस में बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेट्स सी। खैर जब मैंने ये कलर किया था, इसको मुझे कम से कम 10 दिन हो गए हैं, उसके बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने सोचा कि पहले मैं देख लूँ कि क्या रिज़ल्ट आता है, सेकंड हेयर वॉश करने के बाद भी शाइन रहती है कि नहीं रहती है, देन उसके बाद ही मैं वॉइस ओवर करूँ। तो अब मैंने देख लिया, मैंने 3 बार अपने बालों को वॉश कर लिया है कलर के बाद, देन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बालों को कॉम किया, ग्लव्स मैंने पहन लिए हैं, ठीक है। मिक्सिंग यहाँ पे हो गई है, और इसको अप्लाई करने से पहले ना आपको हल्के से बालों को वेट कर लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि 10% आपको बालों को वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपको इस तरीके से जहाँ भी आपको नीड है, ज़रूरत है, वहाँ वहाँ पर आपको ऐसे उस प्रोडक्ट को लगाना है एंड देन स्प्रेड करना है। तो ये स्प्रेड बहुत अच्छे से हो जा रहा था, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, क्योंकि उस जो हमने जो पेस्ट बनाया ना, उसमें एक अलग ही शाइनिंग थी। जब आप उसे यूज़ करेंगे ना, आप देखेंगे बड़े ईजिली से वो स्प्रेड हो रहा है जेली जैसे।
ठीक है। तो और ये कम क्वांटिटी में ही आपके बहुत सारे स्पेस को कवर कर ले रहा था, और साथ के साथ जब मैं कॉम भी कर रही हूँ ना, तो कॉम करने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बड़े इजीली कॉम हो जा रहा था, ऐसे नहीं कि बाल मेरे उलझ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं बीच में मैं मांग निकालते जा रही हूँ और इस प्रोडक्ट को लगाते जा रही हूँ और उसको स्प्रेड करते जा रही हूँ, तो काफ़ी ईजी है, पीछे भी बहुत आसानी से लग गए। अब मैं बताती हूँ कि मेरे जो ग्रे हेयर हैं वो क्यों इतने हो गए। एक्चुअली मेरे पहले नहीं थे, मैं बताती हूँ। स्कूल टाइम पे ना होता है ना, जब हमारी जो फ्रेंड सर्कल था उसमें मेरी एक फ्रेंड थी नेहा नाम की, और वो उस टाइम पे ना हम लोग जब 12th क्लास में थे, तो कलर मेट करके एक कलर आता है ना, सुना होगा आपने भी नाम, तो वो उसको बहुत लगाती थी और उसके बाल ना उस समय पर हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, और रेड रेड बरगंडी जैसे बालों में शाइन आती थी, तो उसको देख देख के ना हमें भी कि हाँ मैं भी लगाऊंगी। तो मैंने तब से ना स्टार्ट कर लिया था, मुझे नहीं पता था उस समय पे कि बालों में ऐसी कोई प्रॉब्लम भी आ जाएगी। उस समय पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे थे, काफ़ी हैवी भी थे, ग्रे का तो कोई नामो निशान ही नहीं था, ठीक है। काफ़ी टाइम तक मैं ऐसे ही यूज़ करती रही, फिर जब अक्कल आई तो वो कलर छोड़ा, फिर जब वो कलर छोड़ा तो फिर आपको पता ही है कि फिर अगर एक दो ग्रे हेयर हो गया तो समझ लो फिर तो होने ही है ना। वो वाली मैंने मिस्टेक करी थी वहाँ पे, कि बहुत कम उम्र से ही मैंने कलर स्टार्ट कर दिया था। सेकंड ये जब मेरा बेबी हुआ, फर्स्ट बेबी और शादी के बाद में, तो उसमें भी मेरी काफ़ी ज़्यादा हेयर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ गई, जैसे बालों का झड़ना, बालों का पतला होना, बालों को ड्राई होना, और हार्मोन्स की डिसबैलेंस है ना, ग्रे कवरेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, इस वजह से ये मेरे बालों का भी हाल हो गया। और अभी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, मेरा बेटा 2 साल का हो गया है, सेकंड प्रेगनेंसी चल रही है, 7 मंथ मुझे लग गया है, और अभी मेरे ग्रे जो हेयर है ना वो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ रहे हैं, तो बट ऑप्शन कुछ नहीं है, कलर ही करना पड़ता है लास्ट में, है ना। बट कलर ऐसा होना चाहिए जो कि आपके ग्रे हेयर को और ज़्यादा ग्रे ना करे, मतलब आपके नेचुरल हेयर को और ज़्यादा ग्रे ना करे ना। तो वैसे मैं बहुत कम ही करती हूँ, मेहंदी ज़्यादा लगाती हूँ, बट लेट्स सी किसका क्या रिज़ल्ट आता है। पिछले बार मैंने माजरल का एक कलर लगाया था, वो कम से कम 6 मंथ तक लास्ट किया था, और यहाँ पे इस बॉक्स में लिखा है कि कम से कम कितने वॉश तक ये कलर रहेगा, यहाँ पे मेंशन है इस बॉक्स पे कि कम से कम 28 शैम्पू के बाद ही ये कलर जाएगा, मतलब 28 बार अगर आप शैम्पू करते हैं, यानी कि हफ्ते में अगर आप 2 बार भी शैम्पू करते हैं, तो कम से कम 3 से 3.5 महीने तक आराम से ये लास्ट करेगा। लेट्स सी कि लास्ट करेगा कि नहीं करेगा, अभी तो मुझे 10 ही दिन हुए हैं, और मैं बाद में भी बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस। बट ये कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, और आइस चॉकलेट है, चॉकलेटी सा शेड देगा, तो आप देख लीजिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ अपनी लेंथ में भी, ठीक है। यहाँ पे मेरा कलर ऑलमोस्ट लग गया है, कलर को हमें रखना है कम से कम 20-25 मिनट तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया, फिर मैंने 25 मिनट्स के बाद मैंने हेयर वॉश किया, हेयर वॉश सिंपल पानी से करना है। देन ये लगा रही मैं रॉयल जेली, जो कि इसके साथ ही मिली थी, क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने बचा दी, नेक्स्ट वॉश में हम यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। और इस जेली को हमें लेंथ में लगाना है, मीन्स रूट्स पे नहीं लगाना, वही लेंथ पे लगाना है एज ए मास्क की तरह। तो जब आप इसे लगाओगे ना, तो देखोगे कि बाल इतने सॉफ्ट सॉफ्ट और शाइनी से फील हो रहे हैं, और बड़े फिसले फिसले से नज़र आ रहे थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और कलर अच्छा था, नो डाउट मुझे अच्छा लगा, और मैं लेंथ में भी इस तरीके से लगा रही हूँ। अगर आपके हैवी बाल हैं तो ये पूरी की पूरी जो जेली मास्क है ये आपके बालों में इनफ होगी, बट मेरे बालों के लिए थोड़ी सी बच गई थी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा भारी नहीं थे, ठीक है। इसको हम रखेंगे 5 मिनट के लिए, और मैंने बालों को इस तरीके से फोल्ड कर दिया,
5 मिनट के बाद हमें फिर से सिंपल पानी से वॉश करना है। यहाँ पे मैंने वॉश कर लिए और अभी मैं करूँगी कॉम। जब मैं कॉम कर रही थी तो बड़े इजी तरीके से कॉम हो जा रहा था, ऐसा नहीं था कि मेरे बाल उलझ रहे। एंड ये है आफ्टर रिज़ल्ट, है ड्राई करने के बाद कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट आया है। बाल बहुत ज़्यादा शाइनी लग रहे थे और बालों में ना एक शाइन आ रही थी, चॉकलेटी सी। अभी आपको इतने अच्छे से पता नहीं चल रही होगी बिकॉज़ मैं रूम के अंदर में थी, बट इस कलर का जो एक्चुअल कलर है ना वो सन में ही आएगा। मतलब जब आप बाहर निकलेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि चॉकलेटी सा कलर आपके बालों में आ रहा है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, सीरियसली अच्छा लगा। जब मैं मेहंदी लगाती तो बाल रफ हो जाते हैं और भी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बट इस कलर ने मेरे बालों में शाइनिंग दी, आप देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे, शाइनियर हो गए थे, और आपको कहीं ना कहीं झलक दिख रही होगी ना ऐसे ब्राउन ब्राउन चॉकलेटी से कलर की। तो इसमें काफ़ी सारे शेड आते हैं जो भी आपको चाहिए, बर्गंडी, मौगनी, बहुत सारे आते हैं, बट मैंने मेडिकल स्टोर से लिया था और मुझे ग्रे कवरेज के लिए चाहिए था तो मुझे ये बेस्ट लगा और इसका मैंने रिव्यू भी देखा था। तो गाइज आपको बताना, आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना, और मेरे बाल कैसे लग रहे हैं आपको ये कलर करने के बाद। अच्छे लग रहे हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। और आप कमेंट करके बताया करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और यहाँ देखिए मेरे बालों में कितनी अच्छी शाइनिंग है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।